वेब सीरीज की दुनिया बहुत ही बड़ी है। आज के दौर में ओटीटी पर अलग अलग कंटेंट की भरमार है। आपको जिस भी तरह की स्टोरी और टेस्ट चाहिए ओटीटी पर सब मिलेगा। अगर आप क्राइम और थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 धमाकेदार वेब सीरीज, जिसे देखकर होश न उड़ जाए तो कहना। नंबर 5 पे है सीरीज धूथा। इस सीरीज को साल दिसंबर 2023 में रिलीज किया गया था, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। साउथ स्टार नागा चतन ने अपने पहले ही डिजिटल डेब्यू सीरीज धूथा में कमाल का काम किया है, जो कि सस्पेंस थ्रिल से भरपूर है। ये ट्रेलर पत्रकार सागर यानी नागा चतन ने अक्की कोनी के जिंदगी में आने वाले अंधेरे और खतरनाक मोड़ों की एक झलक दिखलाता है। जब अखबारों के टुकड़े उसके आसपास के लोगों के साथ होने वाली भयानक दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी के बारे में बताती है, सागर हो रही घटनाओं को रोक पाएगा या नहीं, इसे जानने के लिए आपको Amazon प्राइम पर इस वेब सीरीज को जाके देखना पड़ेगा। नंबर 4 पे है सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। इस सीरीज को साल जून 2024 में रिलीज किया गया था, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। सीरीज की शुरुआत होती है चंदेल परिवार के मौत से। चंदेल परिवार के 6 लोग और उनके कुत्ते की अचानक हुई मौत की खबर पूरे मोहल्ले को झकझोर के रख देती है। घर में फांसी लगाकर लटके हुए 6 शव देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी छानबीन करने के लिए जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर एक सस्पेंड अफसर गदर सिंह पर सौंप देते हैं। क्या वो इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाएगा, ये जानने के लिए आपको जियो सिनेमा पर गांठ देखनी होगी। नंबर 3 पे है सीरीज ट्रायल बाय फायर। इस सीरीज को साल जनवरी 2023 में रिलीज किया गया था, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। ट्रायल बाय फायर सीरीज को अगर एक शब्द में लिखना हो तो वह है आश्चर्यजनक, अनबिलीवेबल। यह साल 1997 में उभार सिनेमा अग्निकांड में अपने दोनों बच्चों को खोने वाले दो माता पिता की लड़ाई को बड़ी खूबसूरती और दमदार तरीके से दिखाती है। न्याय की बात करना जितना आसान है, उसका रास्ता कितना मुश्किल है, सीरीज यही दिखाती है। बेहतरीन डायरेक्शन, एक्टर्स की दमदार एक्टिंग ट्रायल बाय फायर को एक जबरदस्त अनुभव बनाती है। यह शो घटना के पीछे के कारणों की जांच करता है। यह एक ऐसी घटना थी जो कोर्ट के फैसले और दोषी को सजा सुनाए जाने से पहले कई साल तक सुर्खियां में रही। इस सीरीज से कैसे कैसे राज खुलते हैं, इसे जानने के लिए सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 2 पे है सीरीज ऑटो शंकर। इस सीरीज को साल 2019 में रिलीज किया गया था, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। रंगा की निर्देशित ऑटो शंकर उस इंसान के बारे में है जो अपने घटिया कर्मों को करके ही खुश है और उसे मालूम भी नहीं है कि वो किस दलदल में जी रहा है। यह सीरीज ज्यादातर सेक्रेट गेम्स जैसी ही है। दोनों एक घोर क्रिमिनल इंसान के बारे में है जो अपराध की दुनिया में आता है और उसमें पनपता है। गणेश गायटोंडे की तरह शंकर भी सेक्स लाइफ में अच्छी चीजों को आनंद लेता है। इस सीरीज की कहानी आतंक से भरी हुई है। यह सीरीज 80 के दशक में पूरे मद्रास को आतंकित करने वाले एक गैंगस्टर ऑटो शंकर की वासना, छल, विश्वासघात और बदले की घिनौनी कहानी है, जिसे देखने के लिए आपको G5 पर जाना होगा। और अब नंबर 1 पे है सीरीज सुडल द वॉर्टेक्स। इस सीरीज को साल जून 2022 में रिलीज किया गया था, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। यह तमिल वेब सीरीज पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। इस सीरीज को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, पोलिश, पुर्तगाली, कैस्टिलियन, स्पेनिश, लैटिन, अरबी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं में रिलीज किया गया है। इतना ही नहीं, इसे चाइनीज, चेक, डेनिश, डच, फिलिपिनो, फिनिश, ग्रीक, हिब्रू, हंगेरियन, इंडोनेशियन, कोरियाई, मलया, नॉर्वेजियन, वोकम, रोमानियाई, रूसी, स्वीडिश, थाई, यूक्रेनी और वियतनामी सहित कई विदेशी भाषाओं में सबटाइटल्स के साथ भी उपलब्ध कराया गया है। इस सीरीज का निर्देशन फिल्म विक्रम बेधा के डायरेक्टर जोड़ी ब्रह्मा और अनुचरण एम ने किया है।
इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेब सीरीज में रोमांच के साथ रहस्य का तड़का किस तरह से लगाया गया होगा। सीरीज में तमिल एक्टर कथिर, ऐश्वर्या राजेश, श्रिया रेड्डी और राधा कृष्णन पार्थिवन लीड रोल में है। इस वेब सीरीज का टाइटल कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे में मैं बता दूं कि सुडल एक तमिल शब्द है, इसका मतलब भंवर, यानी सुडल एक ऐसा भंवर जिसमें लोग फंसते ही चले जाते हैं। कहते हैं ना कि नाम जैसा काम। इस सीरीज में मेकर्स ने इसके टाइटल जैसा ही काम भी किया है। 8 एपिसोड के इस वेब सीरीज को देखने के दौरान मजाल है कि आप पलक भी झपका पाए। इसमें रहस्य और रोमांच के साथ ऐसा ड्रामा पेश किया गया है जो कि शायद ही किसी को पसंद न आए। एक बेहतरीन वेब सीरीज बनाई गई है, इसमें सभी कलाकारों ने जबरदस्त एक्टिंग किया है। इस सीरीज का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो Amazon Prime पे जाओ और खूब आनंद लो। तो बस आज के वीडियो में ये जो 5 मैंने वेब सीरीज के नाम बताए हैं, अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा होगा तो यार, अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हो और ज़िंदगी में ये सब सीरीज नहीं देखे हो, या वेब सीरीज देखने के शौकीन हो, अगर आपने ये नहीं देखा है तो भाई क्या फिल्म आप लोग देखोगे, ज़िंदगी ही बेकार है। तो जाओ जल्दी से इस सारे वेब सीरीज को देखो और आनंद लो, देखने में मज़ा आएगा। तो यार एक बार चैनल पे आके कमेंट जरूर कर देना।